एक ऐसा अभिनेता जो गरीब लोगों का मसीहा था, जो अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान रखते थे और फिटनेस की वजह से ही वो इस दुनिया से चले गए और दुनिया से जाते जाते भी एक ऐसा काम कर गए जिससे वो आज भी जिंदा है। साल 2019 के अंतिम दिनों से ही कोविड-19 के कहर ने दुनिया को परेशान कर रखा है। लाखों की संख्या में लोगों की मौत के आंकड़ों ने जहां सभी को डराया, तो वहीं लॉकडाउन ने कईयों को बेरोजगार किया। जैसे तैसे चीजें ठीक हो ही रही थी, लेकिन कुछ कलाकारों की आकस्मिक मौत ने लोगों को हैरान करके रख दिया, जिसमें टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला और कन्नड़ फिल्म एक्टर पुनीत राजकुमार का नाम शामिल है। दोनों में एक बात सिमिलर थी, वो थी हार्ट अटैक से मौत। 40 साल के सिद्धार्थ ने जहां देर रात दम तोड़ा, तो वहीं 46 साल के पुनीत ने वर्कआउट करते वक्त। इन दोनों ही कलाकारों की मौत ने फैंस को झकझोर कर रख दिया। आज हम बात करेंगे पुनीत राजकुमार के बारे में, बताएंगे आपको इनकी जिंदगी की इंस्पायरिंग कहानी। पुनीत राजकुमार का जन्म 17 मार्च 1975 को मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। पुनीत सुप्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता राजकुमार और पर्वतम्मा राजकुमार के बेटे हैं, जो एक फिल्म निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर हैं। पुनीत के दो भाई हैं शिव राजकुमार और रघुवेंद्र राजकुमार, जो पेशे से अभिनेता हैं। पुनीत राजकुमार ने बतौर बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की थी, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सके और केवल कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा ही कर सके। पुनीत राजकुमार ने सन 1976 में डायरेक्टर वी सोमशेखर की फिल्म प्रेमदा कनिके में सिर्फ 6 महीने की उम्र में सिल्वर स्क्रीन पर अपनी पहली मौजूदगी दर्ज की। फिल्म में पुनीत के पिता राजकुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जब वो 1 साल के थे, तब उन्हें विजय की उपन्यास पर आधारित फिल्म संधि अपन्ना में देखा गया। उसके बाद निर्देशक वी सोमशेखर द्वारा फिर से थाइगे थाका मागा में देखा गया। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उनकी कई फिल्में वसंत गीता, भूमि के बंदा, भाग्यवंत, 40वां मोदगालू और इराडू नक्षत्र गलू है। सन 1984 में उन्होंने थ्रिलर यारीवानू में अभिनय किया और कनिगे कानुवा गीत भी गाया। एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने सबसे बड़ा ब्रेक एन लक्ष्मी नारायण द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म बेटाडा हुवू में था। फिल्म में एक गरीब परिवार में पैदा हुए लड़के के रूप में एक निर्दोष भूमिका के लिए उन्होंने 33वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इसके बाद सन 1989 में अपने पिता के साथ परशुराम थे, जो आखिरी फिल्म थी जिसमें वे एक बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए थे। पुनीत ने बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली, लेकिन बतौर सिंगर उनका पहला गाना तालिबान अल्लाह अल्लाह था। फिल्म अप्पू में उन्हें एक गायक के रूप में सराहना मिली। उन्होंने वामशी फिल्म में ज्योथियाली गाया, जो श्रेया घोषाल के साथ एक युगल गीत था। साथ 2010 में उन्होंने जैकी फिल्म में एक तेज तरार एडावत आयतू का प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने अपने भाई की फिल्म लव कुश में हॉटप्पा हॉट सखत गाया। उन्होंने शायलू, जूम, सिडलिंगू, अले, तिरुपति एक्सप्रेस, शरण की आज्ञा, जय मारुति 800 और कृष्णा रुकू जैसी फिल्मों में गाने गाकर खुद को स्थापित किया। पुनीत राजकुमार ने बड़े पर्दे के साथ साथ टेलीविजन दर्शकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। साल 2013 में हिंदी शो कौन बनेगा करोड़पति से प्रेरित क्विज शो कन्नड़ता कोथ्याधिपति को होस्ट किया। ये शो पूरे सीजन में हाई टीआरपी रेटिंग के साथ सफल रहा। पुनीत राजकुमार की पत्नी का नाम अश्विनी रेवनाथ है, जिनके साथ साल 1999 में शादी के बंधन में बंध गए थे और दोनों की दो बेटियां हैं, वंदिता राजकुमार और धृति राजकुमार। बता दें, पुनीत और अश्विनी की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई और उसके बाद दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया। लंबे समय तक दोस्त रहे और बाद में प्यार हो गया। सन 1981 में भाग्यवंत, फिर 1982 में 40वां, सन 1983 में इराडू नक्षत्र गलू और फिर 1985 में डाडा हुवू एक के बाद एक हिट फिल्में देकर पुनीत ने बचपन में ही सबको अपनी एक्टिंग का दीवाना बना लिया। इतना ही नहीं, पुनीत ने अब तक 29 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसकी वजह से उनकी गिनती कन्नड़ फिल्म में सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में होती है और इनकी एक्शन फिल्मों को लोग काफी पसंद करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि पुनीत की बतौर अभिनेता के रूप में आखिरी फिल्म 2017 में आई राजकुमार थी, जिसमें इन्होंने सिद्धार्थ का बेहतरीन रोल अदा किया था। पुनीत को 29 अक्टूबर 2021 को जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनको बेंगलोर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कार्डियक अरेस्ट होने से इनका निधन हो गया।
पुनीत को हमेशा उनके काम के साथ साथ नेक दिल के लिए भी याद किया जाएगा। दरअसल पुनीत के परिवार वालों ने एक्टर के देहांत के बाद उनकी आंखों को डोनेट कर दिया। बता दें अभिनेता के निधन के 6 घंटे बाद इस प्रोसेस को पूरा किया गया, जिसकी वजह से लोगों को रोशनी मिली है। कन्नड़ सिनेमा के चमकते सितारे पुनीत न सिर्फ एक शानदार अभिनेता थे बल्कि एक दयालु इंसान भी थे, जो अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते थे। पुनीत सामाजिक कार्यों में भी विश्वास करते थे और कई फाउंडेशन को दान करते थे। इन्हीं सामाजिक कार्यों और सरल स्वभाव की वजह से पुनीत अपने फैंस के रील के साथ रियल लाइफ हीरो भी थे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पुनीत राजकुमार ने 46 अनाथ आश्रम, 26 अनाथालय, 16 वृद्धाश्रम, 19 गौशाला और 1800 छात्रों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करा रहे थे। भले ही पुनीत का बेहद कम उम्र में निधन हो गया, लेकिन वो हमेशा अपनी विनम्रता और उदारता के लिए सभी की यादों में जिंदा रहेंगे।